नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द अपेक्स क्लासेस में। मैं अनुप यादव एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर। देखो दोस्तों, हमारा जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है, उस ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हम परिवहन टॉपिक करवा रहे थे। इस परिवहन टॉपिक में हमारे लगभग 4 से 5 क्लासेज हो चुकी हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो अपने पहले उन क्लासेस को देखना, उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो वायु परिवहन से संबंधित है। तो देखो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाएं दोस्तों। लाइक किया करो दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें खुशी हो कि हमारे जो स्टूडेंट है वो क्लासों को लाइक कर रहे हैं दोस्तों। देखो आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले वायु परिवहन की। तो वायु परिवहन की शुरुआत करें तो भाई भारत में पहली वायु जो सेवा है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में पहली हवाई सेवा की शुरुआत की बात कर लेते हैं तो वो 1911 में भारत में हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी। कब हुई, कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये चली थी दोस्तों इलाहाबाद से नैनी तक चली थी दोस्तों। इलाहाबाद से नैनी तक ये पहली जो हवाई सेवा है हवाई जहाज़ चली थी दोस्तों 1911 में। लेकिन ये ध्यान रखना, ये विश्व की पहली हवाई डाक सेवा थी दोस्तों। हवाई डाक सेवा थी, यानी इसमें जो पोस्ट ऑफिस के जो काम होते हैं वो किए गए थे। विश्व की पहली हवाई डाक सेवा थी जो 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक चलाई गई थी। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है भाई, भारत का पहला पायलट कौन था। तो भारत का पहला पायलट था, वो था दोस्तों जमशेदपुर जी टाटा थे पहले। हमारे जो भारत के पहले पायलट कौन थे, तो वो थे जमशेदपुर जी टाटा। उसके बाद आगे क्वेश्चन आता है भाई, हवाई बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। देखो भारतीय वायु बोर्ड या हवाई बोर्ड की शुरुआत स्थापना कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी दोस्तों। 1919 में भारतीय हवाई बोर्ड की स्थापना की गई थी दोस्तों। आगे देखो, इसके बारे में आगे बात करते हैं। आगे इस सुना जाता है कि जो हमारे जो वायु सेवा है इसके दो भाग बना रखे थे दोस्तों। पहले एक तो था इंडियन एयरलाइंस और एक था दोस्तों एयर इंडिया। तो बात करते हैं इनके बारे में। तो ये इंडियन एयरलाइंस है ना, ये देश के अंदर यानी जैसे भाई मुंबई से कोलकाता जाना हो, दिल्ली से कोलकाता मुंबई, ऐसे जो देश के अंदर और पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, इनमें जो हवाई सेवा प्रदान करता था वो कौन प्रदान करता था, इंडियन एयरलाइंस प्रदान करता था। इसी तरह जो एयर इंडिया है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा प्रदान करता था दोस्तों। पूछ लेता इसके बारे में कि भाई जो इंडियन एयरलाइंस है उसका काम क्या था, तो उसका काम था दोस्तों देश के अंदर और जो पड़ोसी देश है उनकी पूरी जो हवाई सेवा प्रदान करना, और जो एयर इंडिया है इनका काम था जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा प्रदान करना। अब देखो इन दोनों का विलय कर दिया गया था दोस्तों एनएसीआईएल में इनका विलय कर दिया था। नेशनल एविएशन ये कंपनी फॉर इंडियन लिमिटेड भाई नेशनल एविएशन कंपनी फॉर इंडियन लिमिटेड दोस्तों इंडियन लिमिटेड इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कर दी थी 2007 में, यानी 2007 में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का विलय कर दिया था, इन दोनों को आपस में मिला दिया, ठीक दोस्तों। और इनको आपस में मिलाने के बाद नेशनल एविएशन ने जो कंपनी है किसकी, तो वो इंडियन लिमिटेड यानी उसकी जो इंडियन लिमिटेड की जो कंपनी है, इसको दोनों को मिलाने के बाद 2010 में सिर्फ एक ही नाम रखा गया
एयर इंडिया, एयर ए इंडिया दोस्तों, ठीक, एयर इंडिया। अब क्वेश्चन आता है जो एयर इंडिया है इसका लोगो क्या है, तो एयर इंडिया का लोगो है दोस्तों महाराजा, महाराजा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, तो देखो दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों कि इसके जो उड़ता हुआ, उड़ता हुआ हंस के अंदर कोणार्क सूर्य, कोणार्क सूर्य, कोणार्क सूर्य। और ये हंस किस रंग का है, तो नारंगी रंग का, नारंगी रंग का हंस। कई बार पूछ लेता है भाई जो अपनी एयर इंडिया है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो जो उड़ता हुआ नारंगी रंग का जो हंस है उसके अंदर कोणार्क सूर्य का ये प्रतीक चिन्ह है, पूछ लेते दोस्तों कई बार ये, तो इसके बारे में बता देना दोस्तों। उसके बाद आगे आ जाता है भाई भारत में AAI की स्थापना कब हुई, भारत में AAI की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो देखो भारत में AAI क्या होता है, AAI तो देखो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो AAI की स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी दोस्तों। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो AAI है इसका प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पर है दोस्तों, प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पर है, AAI का प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पर है दोस्तों, तो इसका है इलाहाबाद में, इलाहाबाद में है AAI का, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रशिक्षण दोस्तों। तो पूछ लेता है इसके बारे में, तो दोस्तों इसके बारे में जरूर याद रखना, इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। आगे देखो दोस्तों एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखो अभी कुछ दिन पहले इन सरकार ने एक योजना चलाई थी, उड़ान योजना, पता होगा आपने, सुना भी होगा इसके बारे में, उड़ान योजना। ये क्या है उड़ान योजना, इसका जो नारा था वो क्या था, उड़े देश का हर नागरिक, उड़े देश का हर नागरिक, ये इसकी एक लाइन थी, एक टैग लाइन थी, एक लोगो था या इसका नारा मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। स्थापना कब हुई थी उड़ान योजना की, अप्रैल 2017 में उड़ान योजना की स्थापना हुई थी। इसमें क्या किया गया दोस्तों कि जो छोटे विमान का प्रयोग किया गया, यानी जिसमें 4 सीट 6 सीट ऐसे जो 6 सीट की है उन विमानों का प्रयोग किया गया, और इसमें जो सस्ते से सस्ते इसमें किराया लगता है दोस्तों, आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सफर कर सकते हो। तो पूछ ले तो उड़ान योजना का संबंध किससे है, तो वो है कि जो आम नागरिकों को हवाई सेवा प्रदान करने के लिए के योजना शुरू की गई थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि भाई देश की पहली विमान सेवा की शुरुआत कब हुई, विमान सेवा की शुरुआत कब हुई, तो देश की पहली विमान सेवा की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1920 ईस्वी में, और 1920 में ये मुंबई से लेकर कराची तक चली थी, मुंबई से लेकर कराची तक चली थी। पूछ लेता है भाई देश की पहली विमान सेवा की शुरुआत कब हुई, तो देश की पहली विमान सेवा की शुरुआत हुई थी 1920 में, कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से कराची तक चली थी दोस्तों। पूछ लेते हैं इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की, या उससे पहले एक और देख ले क्वेश्चन और पूछता है कि भारत की एकमात्र ISO 9001:2000 हॉलमार्क प्राप्त एकमात्र हेलीकॉप्टर कंपनी कौन सी, तो वो है दोस्तों पवन हंस कंपनी है, जो भारत की एकमात्र, इसको सरकारी कंपनी मान लो, भारत की एकमात्र जो ISO 9001:2000 हॉलमार्क प्राप्त एक कंपनी है पवन हंस। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, पवन हंस कंपनी की स्थापना 1985 में हुई थी दोस्तों। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका
मुख्यालय है, पूछ लेते हैं कई बार तो बता देना। पवन हंस कंपनी है, इसका स्थापना 1986 में, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है दोस्तों। आगे देखो इसके बारे में, अब पूछ ले अगर जो हमारा जो हवाई सेवा है, भारत के जो वायु परिवहन है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो भारतीय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो गया था दोस्तों। अब देखो आगे, अब बात करते हैं कुछ प्रमुख इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का जिक्र करते हैं के बारे में, ठीक। सबसे पहले जो भारत का जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है वो है दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर है दोस्तों, ये दिल्ली यानी नई दिल्ली में है दोस्तों, नई दिल्ली में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। दूसरा हम बात करते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन और आता है कोच्चि के बारे में, कोच्चि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, कोच्चि केरल में है, और ये भारत का पहला या विश्व का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा, सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा, पूछ लेते कई बार तो बता देना भाई पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है, तो वो है दोस्तों कोच्चि केरल का है, तो वो पूछ लेता है। उसके बाद है राजीव गांधी, जो इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में क्वेश्चन बनता है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों, हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बारे में क्या पूछता है दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रखना, ये एशिया का पहला ग्रीन एयरपोर्ट, इसको यानी एशिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट था जिसको ग्रीन कार्ड मिला दोस्तों। ग्रीन कार्ड उनको मिलता है जिनमें कार्बन सबसे कम उत्सर्जन होता है, सबसे कम कार्बन उत्सर्जन किसमें है, तो ये पहला था जिसको सबसे कम कार्बन उत्सर्जन के कारण ग्रीन ने एयरपोर्ट घोषित किया था दोस्तों। आगे हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों, तो वो है मुंबई में है दोस्तों छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो वो है कोलकाता में है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखो दोस्तों जो महान पुरुषों के नाम पर होते हैं ना, उनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद आगे है देवी अहिल्या बाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर दोस्तों, तो ये है इंदौर में है दोस्तों देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद आगे है कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर दोस्तों, वो है अहमदाबाद में है सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद आगे आ जाता है दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूछ लेता है दोस्तों दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों गोवा में है दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों। उसके बाद आगे पूछ लेता है भाई वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और कहाँ पर है दोस्तों वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों। उसके बाद आगे आ जाता है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर दोस्तों, तो वो लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कितने हो गए दोस्तों, बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, एक और देख लेते दोस्तों बाबा साहेब
अंबेडकर। बाबा साहेब अंबेडकर जो अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ पर है दोस्तों, वो नागपुर में है, वो नागपुर में है बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों। तो ये इतने लगभग 15-16 हवाई अड्डे हो चुके हैं, बहुत है दोस्तों, इतने इतनों में से ही पूछता है दोस्तों, एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये था आज आपका वायु परिवहन, कैसा लगा दोस्तों ज़रूर इसके बारे में कमेंट करके बताना, और लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।